हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हायर एजुकेशन। और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आप सभी को पता है कि हायर एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको आईपी यूनिवर्सिटी की डिटेल्ड वीडियोस मिलती हैं। और पिछले 3 साल से मैं आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी एडमिशन रिलेटेड हेल्प पहुंचा रहा हूं। और इस साल भी मेरा पूरा सपोर्ट आप लोगों के लिए रहेगा। 2021 के सेशन के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैं आपको एक एक कोर्स की डिटेल दे रहा हूं। और मेरा पूरा फोकस रहेगा कि आपको एक अच्छा कॉलेज लास्ट में मिले। सो फ्रेंड्स, आज में जो वीडियो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें वो है बीसीए कोर्स के बारे में। जो स्टूडेंट आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक बीसीए, बीबीए, बीजेएमसी, उनके लिए मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूं। आज की जो स्पेसिफिक वीडियो, दैट इज फॉर बीसीए, क्योंकि दिल्ली के अंदर आपको बीसीए के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आईपी यूनिवर्सिटी एक ऐसा ऑप्शन है, जिसमें आपको बहुत सारे कॉलेजेस हैं और एफिलिएशन भी अच्छे, स्टेट गवर्नमेंट की डिग्री भी आपको मिल रही है और आपको एक अच्छी प्लेसमेंट भी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, सारी डिटेल्स आज मैं आपको देने वाला हूं। तो पहले बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आईपी यूनिवर्सिटी में बीसीए कोर्स में अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपकी क्लास 12th के अंदर 50% होना जरूरी है, जिसके अंदर एक शर्त इन्होंने रखी है कि आपके पास मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी, डेटा मैनेजमेंट एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ नॉन वोकेशनल होना जरूरी है। अब इन सब में से एक सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया, इन सब में आप स्लैश जो देख रहे हो, इन सब में से एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अब देखो होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास मैथ्स होती है बट कंप्यूटर्स नहीं होता, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कंप्यूटर्स होता है बट मैथमेटिक्स नहीं होती। तो इसको ओवरकम करने के लिए आईपी यूनिवर्सिटी ने सबको इक्वल रखते हुए एक ऐसा बनाया है कि आपके पास या तो मैथ्स हो या तो कंप्यूटर्स हो, तभी आप बीसीए में एडमिशन ले। अननेसेसरी इन्होंने हर एक को इन्वाइट नहीं करा, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट अगर एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो उसको डिफिकल्टी आती है आगे आने वाले टाइम में। तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया रखा है, जिसमें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स से रिलेटेड कोर्सेज को उन्होंने कंपलसरी रखा है। इसके बाद हम मूव करते हैं जो इनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, उसमें लिखा है इन्होंने 3-year डिप्लोमा इन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम अ पॉलिटेक्निकल, ड्यूली अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड एफिलिएटेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनिंग बॉडी विद अ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट। अगर आपके पास डिप्लोमा भी है पॉलिटेक्निक का इंजीनियरिंग में, तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का डिप्लोमा होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो यहां पे आपका एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है आईपी यूनिवर्सिटी हर साल। और इसमें जो टोटल सीट्स है, इनटेक होता है, दैट इज 2445। तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया है टोटल नंबर ऑफ सीट्स, मैंने कैलकुलेट करा है खुद से। आईपीयू की ब्रोशर 2021 में टोटल नंबर ऑफ सीट्स इनटेक दिया था, हर एक कॉलेज का अलग अलग बताया था, मैंने सबको कैलकुलेट करके बताया है आपको कि 2500 के अप्रॉक्स यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। कॉलेजेस जो है 25 है आपके पास ऑप्शन अकॉर्डिंग टू 2020 ब्रोशर। इस साल हो सकता है कि कुछ चेंजेस आए, कुछ कॉलेज सीट्स बढ़ा देते हैं, कुछ नए कॉलेजेस एफिलेट हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर 1200 का आपका एप्लीकेशन फॉर्म था 2020 में, तो हो सकता है कि यहाँ पे इस साल भी आपका 1200 का एप्लीकेशन फॉर्म हो, इसी के आसपास होगा, 1200 ही होगा जहाँ तक है। और वेबसाइट पे आपको जाके ipu.ac.in पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको फॉर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि इस साल के फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं। जैसे ही फॉर्म्स आएंगे मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आईपी यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही सपोर्टिव रहेगा लास्ट तक। आपको बाद में फील होगा कि हमने आपको कितनी गाइडेंस प्रोवाइड की है। इसके बाद आपको एक ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस जो होता है लास्ट तक ऑनलाइन रहता है। आपको ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। आपका जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, आपको एक स्कोर मिलता है जिसको हम रैंक बोलते हैं। उस रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन प्रोसेस चलता है, जिसके 3-4 राउंड आईपी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करती है। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आएगी, उसके बाद जिसने बच्चों ने एडमिशन लिया, जिन्होंने नहीं लिया, वो सीट्स अगले राउंड में फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। फिर सेकंड राउंड की कट ऑफ आती है, फिर सेकंड के बाद थर्ड राउंड की कट ऑफ आती है। इस तरीके से आईपी यूनिवर्सिटी का पूरा ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है, जो आप हमारे साथ ज्वाइन करके पूरा एडमिशन फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका सबसे मेन पार्ट जो है वीडियो का, दैट इज एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न आपको समझना बहुत जरूरी है। बीसीए एक ऐसा कोर्स है जो
ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम है, और चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से चाहे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, मैथमेटिक्स से आपके पास, तो यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी है कि बीसीए में क्या क्या पूछा जाता है। एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि सर यूट्यूब पे मैं देख रहा था बाकी वीडियोस के अंदर ऐसा दिया हुआ है, ऑनलाइन जो वेबसाइट है इस पे लिखा हुआ है कि रीजनिंग भी पूछी जाती है। तो आईपी यूनिवर्सिटी का बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी क्वेरीज लेके आते हैं कि ऑनलाइन हमने देखा है कि इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी दी हुई है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है कि लॉजिकल रीजनिंग आती है, बट बीसी के एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती है आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में। बाकी सबका मेरे को नहीं पता, बट हाँ आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछी जाती। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपसे 100 पूछे जाते हैं, हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, हर एक गलत आंसर पे आपको -1 का डिडक्शन होगा, और टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है 150 मिनट्स का। तो 150 मिनट्स सफिशिएंट रहते हैं 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब यहाँ पे आपका जो इंग्लिश सेक्शन है उसके अंदर 15% आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, सबसे कम वेटेज जो है इंग्लिश पे है, ज़्यादा जो वेटेज दिया है उन्होंने मैथमेटिक्स का एंड कंप्यूटर अवेयरनेस का दिया है। तो यहाँ पे 25% आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस एंड आईटी, मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस से और आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चन जो होंगे आपके मैथमेटिक्स के होंगे। अब यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है वो क्लास 11th एंड 12th की कंबाइन आती है, सिर्फ 12th की नहीं आएगी, 11th एंड 12th की कंबाइन मैथमेटिक्स होती है। 30% जो आपका होगा दैट इज कंप्यूटर अवेयरनेस। अब कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स की पढ़नी होती हैं। तो ये 4 सेक्शन हैं जो बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। अब इसका जो डिटेल सिलेबस है मैंने उसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा कि बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। और अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, अच्छा रैंक लेके आना चाहते हैं टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इन आईपी यूनिवर्सिटी, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था और बहुत अच्छे अच्छे रैंक लेके आए स्टूडेंट्स को। और हमने जो किया है ना कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हम आप लोगों को जो देते हैं मटेरियल, जो आपको वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी सिलेबस है, क्योंकि ये सिलेबस आपको बाहर भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तो उसमें क्या होता है आपके डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग नहीं आता। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं बीसीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है हायर एजुकेशन की ऐप पे। आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में, जिससे आपको एक अच्छा रैंक मिल सके। अब देखो बहुत सारे कॉलेजेस एफिलेट हैं, मैंने जैसे आपको बताया 24 के अराउंड कॉलेजेस एफिलेट हैं, बट इनमें जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक अच्छा रैंक लाना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी पर पूरा पूरा फोकस करें, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपको मेरिट का कोई भी सीन नहीं है, बस आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है, 50% है, दैट्स इट। बाकी आपकी जो एडमिशन प्रोसेस में पूरा पूरा हाथ रहता है वो आपके रैंक का होता है। अगर आपका रैंक अच्छा आएगा तो आपको एक अच्छा कॉलेज जरूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।